सो हे व्हाट्सअप गेमर्स, यह कुछ गेमिंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे मोड के बारे में किसी ने सोची ना होगी। यस, इस मोड से आपका पीवीपी एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। इस मोड का नाम है मैन हंट मोड और चलो इसकी आपको इन्वेंट्री दिखाता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में जाने के बाद इसमें जाना है एंड इसके बाद मॉब एक्स में जाके यहाँ पे आपको कुछ अंडे दिखेंगे, हार्ड बॉट, ये नॉर्मल बॉट और ये इजी बॉट। सो सबसे पहले मैं इजी बॉट लेता हूँ, आप कोई भी बॉट ले सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा आर्मर वार्मर लेना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्रॉप करके आ गया हूँ। और ये देखो तो अभी यहाँ पे हमारे पास इजी बॉट है और इससे पीछा छुट जाए। ओके नमः शिवाय। सो यहाँ पे हम इजी बॉट स्पॉन कर सकते हैं। ओके, स्पॉन हो चुका है। अभी फर्स्ट टाइम जब आप मोड डाउनलोड करोगे तब ये हैंग होगा थोड़ा सा। ओके, सो देखो एकदम नॉर्मल बॉट है, इसको ज़्यादा डैमेज वैमेज हम ला रहा हमारा पड़ता नहीं, इसकी हेल्थ भी बहुत कम है तो इसको मेरे को मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी बिकॉज मैं स्पैम कर रहा था, वो अलग बात है। एंड मैं इसको क्रिट मारने का बहुत ट्राई कर रहा था। एंड यस, ये इसमें चार लेवल्स होते हैं, एक ईजी, एक नॉर्मल, एक हार्ड और एक ड्रीम। यस, इसमें ड्रीम भी है और आप ड्रीम से लड़ भी सकते हो। सो हम उसको ट्राई करेंगे आगे। तो अभी चलो अब नॉर्मल बॉट के ऊपर बढ़ते हैं। एंड ये देखो ये थोड़ा सा इजी वाले से थोड़ा सा हार्ड है, बट इसको भी मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी क्योंकि ये मेरे को मार रहा था और मैं हवा में उछल के क्रिट मार रहा था, जो कि लेजिटली एकदम ईजिली जीत गया मैं। और अभी मेरे पास थर्ड यहाँ पर है हार्ड बॉट। यस यस गाइस, तो अभी वही बारी आ चुकी है, ये बारी है और ये आ गया हार्ड बॉट। मेरी गलती से तीन हार्ड बॉट स्पॉन कर दिए जिससे मेरे को पता था क्या होने वाला है। यस म्यूजिक, तीन तीन हार्ड बॉट थे और मैं अकेला। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा दूर जाने वाला हूँ इस एरिया से। देखो मेरे को वहाँ पे एक इजी बॉट भी मिल गया, ये नॉर्मली भी कभी कभी स्पॉन हो जाते हैं। तो एक, अरे तो क्रिट मारना बहुत इसमें इजी कर देता है ये पीवीपी मोड, बहुत ही अच्छा पीवीपी मोड है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे हार्ड बॉट को स्पॉन करते हैं। एंड यस, सो अभी ये हार्ड बॉट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। सो अभी यहाँ पे मेरे को एंचेंटेड एप्पल खाने का भी टाइम नहीं दे रहा और मैं फिर से मर गया, बहुत बड़ा नूब हूँ मैं, मेरे को पता है। तो यहाँ पे मैं फिर से हार्ड बॉट को स्पॉन करने वाला हूँ। वो पीछे से ये पुराना वाला हार्ड बॉट आ जाता है और फिर अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यस, सो अभी मैं अभी इसको टक्कर की फाइट दे रहा था और ये तो कुछ मिनटों में ही मर गया, बहुत ही ज़्यादा नूब था ये तो। हाँ, दो तीन बार मरा, ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो मैं फिर से स्पॉन करने वाला हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए कितना प्रो भी ना मरे। सो अभी मैं टक्कर की फाइट दे रहा हूँ इसको, नुबड़ा कहीं को, और ये तो सिर्फ 10-15 सेकंड में ही मर गया। देखा प्रो है तेरा हर भाई, देखा चुटकियों में मार सकता, चुटकियों में ऐसे मारो किसी ने सोची ना होगी। तो चलो अभी मैं आगे जाके एक और बार स्पॉन करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, नहीं करता हूँ। सो अभी ड्रीम को स्पॉन करते, चलो एक सेकेंड थोड़ा एंचेंटेड एप्पल खा लूँ, डायरेक्टली स्पॉन हो जाएगा और मैं डायरेक्टली मर जाऊँगा। सो अभी फिर से यहाँ पे आपको एक कमांड डालना है स्लैश फंक्शन और यहाँ पे फाइट अंडरस्कोर ड्रीम, ये डालने के बाद सिर्फ एंटर करना है और फिर ड्रीम लिखेगा फाइट मी और ऊपर लिखेगा ड्रीम जॉइन द गेम। और फिर यहाँ पे हमको कुक्ड पोर्क चॉप और हमारी इन्वेंट्री पूरी चेंज कर देंगे ये लोग। यस, मेरा पूरा एक स्टैक गोल्डन एप्पल खा लिया और पीछे से स्लाइम आके उसको एकम्पनी कर रहे थे तो मैं फुल स्पीड में भागने की कोशिश कर रहा था पर ड्रीम मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ता, भाई भागने में नहीं दे रहा यार, क्रिट पे क्रिट लगाया जा रहा है। सो इसके पास डायमंड की एक सी, तो फिर मैं अभी नेदराइट के स्वॉर्ड से चढ़ गया इसके ऊपर और ये तो टच भी नहीं करने दे रहा था मेरे को, पर नेदराइट की स्वॉर्ड के सामने इसका ये बच नहीं सकता बेटे। हाँ, ये अलग बात है कि वो नकली ड्रीम था, असली ड्रीम होता तो फिर मैं आर्मर लेने का भी टाइम नहीं मिलता मेरे को तो। सो अभी तुम देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री पूरी चेंज कर रहे हैं लोग, पोक चॉप दिए जा रहे हैं। सो ऐसा मोटा, तो अभी मैं ये लोग ने जो मेरे को आयरन की स्वॉट दी है उसको एंचांट करता हूँ और यहाँ पे मैं शार्पनेस 5 लगाने वाला हूँ वरना फिर मैं इजीली मर सकता हूँ। यस, बहुत ईजीली मर सकता हूँ, ड्रीम है वो।
सो अभी मैंने अपनी एन्चेंटमेंट कर दी है एंड इसको पहले मारता हूँ। और चलो सो अभी हम लोग फिर से एक बार ड्रीम को स्पॉन करते हैं। इससे पहले थोड़ी इन्वेंट्री खाली करके शार्पनेस की स्वॉर्ड पीछे डाल देता हूँ। यस ओके सो अब सही है। तो चलो अंडों को भी पीछे डाल देता हूँ, आयरन स्वॉर्ड को इधर और गोल्डन एप्पल वहाँ पे रहने दो। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लड़ना एंड तैयार थोड़ा होना पड़ेगा मेरे को। सो अभी मैंने पूरी इन्वेंट्री खाली रखी है। सो यहाँ पे मैं फिर से ड्रीम को बुलाने वाला हूँ, उन लोग के द्वारा दिए गए आयरन स्वॉर्ड से ही मारने वाला हूँ। वो अलग बात है, किसी मैंने एन्चांट किया उसको। सो अभी मैंने कर दिया और ड्रीम आ चुका है मेरे पीछे से, स्पॉन हो गया है और मेरे को पहले दिख ही नहीं रहा था किधर है और ये रहा ये। तो फिर अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, इसके आयरन के स्वॉर्ड से लोग मेरी एन्चांटेड आयरन स्वॉर्ड हटा दिया मेरे जेब से। और यहाँ पे अभी वो एक अच्छी बात है, मेरी गोल्डन एप्पल्स बचे हुए हैं एंड मेरे को फिर से नहीं मारने का है। नहीं ड्रीम भैया छोड़ दो, ड्रीम भैया छोड़ दो मेरे को। ओके तो अब मैं इसको बताऊँगा। सो फिर मैं अभी आयरन स्वॉर्ड से मार रहा हूँ इसको। इसके पास डायमंड की एक्स है तो देखते कौन ज़्यादा प्रो प्लेयर है। वैसे मेरे पास एन्चेंटेड एप्पल है तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा शायद। भाई हिट करने भी नहीं दे रहा, इतना अटैक मार रहा है वो। तो अच्छा है मेरे पास आयरन या फिर डायमंड का आर्मर है, डायमंड का आर्मर है। सो तो चलो अभी इसको फटाफट मारते हैं यार। अरे भाई 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 भाई, ओ नो 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 नो, भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा। मैंने टोटम हाथ में ले लिया इनके से मरूँ ना, टोटम इस्तेमाल हो जाएगा चलेगा भाई, मरना नहीं है। सो अभी यहाँ पे फिर से मैं ड्रीम को भी पीछे मुड़ के मारने वाला हूँ एंड यस यार बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये तो, लाइक टच भी नहीं कर पा रहा मैं तो। मैं नेदरराइट के स्वॉर्ड से मार भी पा रहा था पर ये आयरन के स्वॉर्ड से इसको मारना बहुत ज़्यादा हार्ड है। पर यस फाइनली ये हार चुका है एंड इसने मेरे को इसकी टूटी हुई शील्ड भी दे दी है। अब सीरियसली एक शील्ड दिया है सीरियसली। तो चलो अब इसके आयरन के स्वॉर्ड को हम यहाँ पे दफना देते हैं। ड्रीम यहाँ पे मरा था शायद। सो यहाँ पे हम गड्ढा करने वाले हैं यहाँ पे मेरी नेदरराइट के स्वॉर्ड के साथ। एक सेकेंड डबल गड्ढा करता है यानी कि उनको बाद में मिले भी ना फिर से, यहाँ से ही तोड़ देता हूँ। ओके सो दो गड्ढा हो गया, तीसरे ब्लॉक तक कर बेडरॉक आ गया भाई, इससे नीचे तो नहीं कर सकता। सो अभी चलो फिर अभी मैं तुम लोग को इसका डाउनलोडिंग देता हूँ। तो इसका डाउनलोडिंग देने से पहले मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी इस प्यारी सी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना प्लीज़ गाइस। तो फिर चलो अभी हम लोग डाउनलोड लिंक्स के ऊपर बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जेड आर्चीवर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है या फिर कमेंट पिन में, उससे जाके मीडिया फायर लिंक ओपन होगा, उसे डाउनलोड करने का है। और उसके बाद जैसे डाउनलोड होता है उसके बाद हम लोग को ऐसा ओपन का ऑप्शन आएगा, तो जेड आर्चीवर को सिलेक्ट करके हम लोग ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दो दो पैक्स दिए रहेंगे। तो फिर यहाँ पे बिहेवियर पैक को कॉपी कर लेने का है, जैसे मैंने किया अभी ये देखो। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉयड में जाने का है। एंड्रॉयड में जैसे जाते हो फिर डेटा ओपन करके आपको माइनक्राफ्ट मोजैंग करके मिलेगा, वैसा उसको सर्च करना है। देखो ये रहा मोजैंग माइनक्राफ्ट पी। तो फाइल्स में जाने के बाद, गेम्स में जाने के बाद, कॉम डॉट मोजैंग में जाने के बाद बिहेवियर पैक्स में इसे पेस्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया था इसके लिए ऐसा आ रहा है, फिर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो फिर देखो मैं हो गया। अभी आप रिसोर्स पैक को भी ऐसे ही करने का है, तो पहले फिर से जाऊँगा रिसोर्स पैक को कॉपी करेंगे हम ऐसे। और उसके बाद हम लोग फिर से डिवाइस स्टोरेज में जाएंगे, फिर एंड्रॉयड में जाएंगे, और उसके बाद एंड्रॉयड में जाएंगे, फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस कॉम डॉट मोजैंग में माइनक्राफ्ट पी को सर्च करेंगे, फिर फाइल गेम्स कॉम डॉट मोजैंग, फिर यहाँ पे रिसोर्स पैक्स पे जाएंगे क्योंकि ये रिसोर्स पैक है, फिर इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, मैंने फिर से ऑलरेडी पेस्ट किया है इसका जैसे ऐसा आ रहा है। तो देखो अभी आपका पेस्ट हो गया है। सो इसी बात पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूल ना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।